गुलबर्गा शहर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को देख कॉरपोरेटर साजिद कल्याणी और खालिद अहमद ने 30 जुलाई को होने वाले मेयर इलेक्शन में रुकावट डालने का ऐलान किया है। साजिद कल्याणी और खालिद अहमद ने कहा, शहर का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां आवारा कुत्तों से लोग परेशान ना हुए हों। अब तक शहर में कई बड़े बुजुर्ग महिलाएं और मासूम बच्चे आवारा कुत्तों का शिकार बन गए हैं और लगातार पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर सोशल एक्टिविस्ट के अलावा तमाम कॉरपोरेटर्स ने मिलकर एहतजाज कर आवारा कुत्तों का सफाया करने की मांग की, पर कॉरपोरेशन कमिश्नर के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी है। कांग्रेस बीजेपी जेडीएस कई सरकारें बदली पर गुलबर्गा शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों के खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। साजिद कल्याणी और खालिद अहमद ने कहा, कुछ महीने पहले मिसबा नगर की एक मासूम लड़की पर आवारा कुत्तों ने बुरी तरह हमला किया था। इसके खिलाफ कॉरपोरेशन जीबी मीटिंग के दौरान टाउन हॉल पर तमाम कॉरपोरेटर्स के जरिए एहतजाज करते हुए नाराजगी जाहिर की गई थी। साजिद कल्याणी, खालिद अहमद के अलावा दीगर तमाम कॉरपोरेटर्स और पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल लीडर्स के गुस्से को देख आवारा कुत्तों का शिकार हुई लड़की को 5 लाख कंपनसेशन देने का ऐलान किया गया था, पर कई महीने गुजरे पर अब तक किसी तरह का कोई कंपनसेशन नहीं दिया गया और ना ही आवारा कुत्तों का सफाया हुआ है। अभी 30 जुलाई ट्यूसडे को मेयर इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले मिसबा नगर में आवारा कुत्तों का शिकार हुई लड़की को 5 लाख कंपनसेशन देते हुए शहर से आवारा कुत्तों का सफाया नहीं किया गया तो मेयर इलेक्शन में रुकावट डालने की धमकी दी गई है। इस इशू पर मजीद साजिद कल्याणी और खालिद अहमद ने क्या कहा, जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girls at Muslim Chowk, Mijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jevargi Road. Admission are open, contact for details. जो स्ट्रीट डॉग को लेके एक हलचल सी है गुलबर्गा शहर में, आए दिन हम देखते आ रहे हैं कि कई इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि दरगाह एरिया में हो और जैसे कि मिसबा नगर, MSK मिल, कई पूरे गुलबर्गा सिटी में यही प्रॉब्लम है। आए दिन हमें ऐसे कॉल आते हैं, भैया जो गरीब लोग ऑटो लगा के घर में लगा के रात में सोते हैं, सुबह में वो लोग जाने का रहता ऑटो लेके निकलने का रहता, उनके सीट्स फाड़ते हैं, उनके टॉप्स फाड़ देते हैं, कई गाड़ियों के वायर्स कट कर देते हैं कारों के, कई दिन कई इंसिडेंट्स हैं। और इसके अलावा और मेजर्स जो भी छोटे बच्चे बाहर स्कूल को निकलने के लिए बहुत तकलीफ है, ऐसे इंसिडेंट्स कई हुए हैं हमारे एरिया में और गुलबर्गा शहर में हुए हैं। पिछली बार मिसबा नगर में एक इंसिडेंट हुआ था 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर को इंसिडेंट होने के बाद में, क्योंकि मेजर इंजरी हुई थी लड़की की, वो 6 ईयर लड़की थी, उनको फिर यूनाइटेड हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। मोस्टली मैं समझता हूँ 1 वीक के बाद में वो बच्ची लड़की डिस्चार्ज हुई है। तब 27 को इंसिडेंट होने के बाद में 28 को जीबी मीटिंग था, तब जीबी मीटिंग में हम टाउन हॉल के सामने पूरे कॉर्पोरेटर्स थे और MLA थे, MLA भी थे, MLCs थे और कॉर्पोरेशन कमिश्नर के सामने बात हुई थी कि 5 लाख रुपीज कंपनसेशन देने की बात हुई थी। 7 मंथ हो गया, अभी तक कोई वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया कॉर्पोरेशन कमिश्नर की तरफ से। हमने फिर उसके बाद में हम क्या किए, 20 जुलाई को हम कॉर्पोरेशन कमिश्नर को हमने ये कहा कि जब 30 को मेयर इलेक्शन होने वाला है, हम अगर उससे पहले अगर आप वो बुला के मासूम बच्ची को उसको इंसाफ देंगे, 5 लाख रुपीज़ कंपनसेशन देंगे और जो स्ट्रीट डॉग्स जो आज गुलबर्गा शहर में जो चल रहा है उसको कैसा कंट्रोल करेंगे बोल के बोलने के बाद में वो लोग रिसीव लिए हैं। हम बताए हैं कि 20 अगर बिफोर इलेक्शन बच्ची को कंपोजिशन नहीं दिया गया और ना कंट्रोल स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं किया गया तो हम इस बार मेयर इलेक्शन के लिए हम रुकावट डालेंगे। हम ये लेटर हम कमिश्नर साहब को भी दिए हैं और इवन दो RC साहब को भी दिए हैं और गुलबर्गा शहर का एक बर्निंग इशू है। आए दिन कई कॉल्स आते हैं, हम थक गए हैं कॉल रिसीव कर करके, क्या जवाब देना आवाम को हम कुछ नहीं बता सक रहे। कमिश्नर साहब इसके अंदर लापरवाही कर रहे हैं, अगर इन दौरान कुछ अगर इंसिडेंट होगा इसके जिम्मेदार कॉरपोरेशन कमिश्नर रहेंगे और हेल्थ ऑफिसर रहेंगे, मैं यही बताना चाहता हूँ। और गुलबर्गा शहर को मैं ये बताना चाहता हूँ कि 30 को मेयर इलेक्शन है, आप लोग तमाम
मिल के साथ दीजिए, इंशाल्लाह गुलबर्गा शहर को हम क्लीन करेंगे, इंशाल्लाह इस स्ट्रीट डॉग्स जो हावी हो रहे हैं मासूम बच्चों के ऊपर, हम इनके ऊपर रुकावट डालने के लिए कमिश्नर साहब के ऊपर दबाव डालेंगे, क्योंकि वहाँ पे सब रहने वाले MLA भी रहने वाले हैं और MP प्रेजेंट MP साहब भी रहेंगे इंशाल्लाह, और MLAs भी रहेंगे, पूरे कॉर्पोरेटर्स रहेंगे इंशाल्लाह, सब जने मिल के इसके ऊपर विरोध करेंगे और पूरे कॉर्पोरेटर्स और सबकी तकलीफ है, या मेरी एक की तकलीफ नहीं, ना मेरे एक वार्ड की तकलीफ है, ये पूरे गुलबर्गा शहर की तकलीफ है, पूरे कॉर्पोरेटर्स की तकलीफ है, ये पूरे कॉर्पोरेटर्स जो भी है आना चाहते हैं टाउन हॉल के सामने आ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसके ऊपर हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, गुलबर्गा जब तक क्लियर नहीं होता हम इंशाल्लाह इलेक्शन होने को नहीं देंगे, हम सख्त से सख्त एहतियात करेंगे टाउन हॉल के सामने, आप तमाम लोग आइए, हम इवन हम RC साहब की भी नॉलेज में रखे हैं ना, RC साहब जब देखने के बाद में वीडियोस तंग रहेगा देख के, ये इंसिडेंट क्या डॉग बाइट का है या कुछ एक्सीडेंट हुआ बोल के RC साहब तक परेशान है, उन तक बात नहीं गई थी, हम आज उनके सामने बात रखे हैं, इंशाल्लाह देखेंगे RC साहब भी क्या करते हैं गुलबर्गा शहर के लिए, DC मैडम भी क्या करते हैं और कॉर्पोरेशन कमिश्नर साहब क्या करते हैं और MLAs क्या करते हैं, MP क्या करते हैं, इंशाल्लाह 30 तारीख को दिन इंशाल्लाह उसके ऊपर बात हो। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शहर में स्ट्रीट डॉग्स के ताल्लुक से लेके बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि हाल ही में December 27 को मेरे वार्ड में जो एक बच्ची के साथ बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन थी, उसको हम लोग फाइट करके है ना कमिश्नर से और तकरीबन काफ़ी सारे ऑफिसर्स के साथ फाइट करके है ना यूनाइटेड हॉस्पिटल को आने को भी तैयार नहीं थे हमारे कॉर्पोरेशन कमिश्नर, बच्ची को देखने के लिए भी आने को तैयार नहीं थे वो लोग। आखिरी में हम लोग, मैं और साजिद भाई और काफ़ी सारे हमारे साथ में रहने वाले सब मिल के है ना नेक्स्ट डे GB थी, GB मीटिंग में ना हम स्ट्राइक करके वहाँ पे कंपेंसेशन देने की बात की गई थी, कमिश्नर साहब ने कहा, हमारे मेयर साहब ने कहा, डिप्टी मेयर ने कहा और वहाँ पे मौजूदा जो MLC आए हुए थे और MLA साउथ MLA थे, ये तमाम लोगों ने वायदा किया था कि 5 लाख रुपये कंपेंसेशन देंगे बोल के, तो आज तक भी वो उसका कुछ भी मसला हल नहीं हुआ, कभी भी हम पूछ रहे हैं तो बोल नहीं रहे उसके बारे में, कुछ भी जवाब नहीं दे रहे, नकार दे रहे हैं उस चीज़ को, तो वायदा किए हैं पूरे टाउन हॉल में बैठ के वादा किए हैं और कमिश्नर साहब की मौजूदगी में ये वास्तव है, अभी तक उसका कन्वेंशन नहीं किए गए। और दूसरी चीज़ ये है कि अब हाल ही में हम कुछ दिन पहले आशीष साहब के नॉलेज में भी ये चीज़ों को लाए कि इस तरह से शहर में चल रहा है, तो इस पर कमिश्नर साहब ज़रा भी तवज्जो नहीं दे रहे, ये इनकी लापरवाही की वजह से हो रहा है, इनके लापरवाही की वजह से, ये एक सिंगल वार्ड का नहीं है, ये पूरे 55 वार्ड का है, पूरे 55 वार्ड के कंप्लेंट्स हैं, लेकिन अभी तक कोई स्टेप नहीं ले रहे। अब परसों हम भी जाके बहुत सारा हंगामा करने के बाद है ना टेंडर कॉल कर रहे हैं, फंड नहीं है, वो हमको ही सुना रहे हैं कि वो फंड नहीं है, फंड नहीं है बोल के हम रुक रहे बोलकर बोले, अभी तक ना कोई टेंडर हुआ है, ना तो ये स्ट्रीट डॉग्स के ऊपर कोई सीरियसनेस है इनका, कुछ भी नहीं। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे कमिश्नर साहब को ना यहाँ से रिज़ाइन करके दूसरी जगह कहीं और जाना चाहिए, कि हमारे शहर को हमें क्लीन रखना है, क्योंकि आए दिन हमारे को एक दिन नहीं, और मेरे मोबाइल में इतने रिकॉर्डिंग्स हैं जो है ना हर रिकॉर्डिंग में जो कुत्तों के ताल्लुक से आ रही है मेरे पास, तो मैं कमिश्नर साहब को फॉरवर्ड कर रहा हूँ, मेरे मोबाइल में सारे रिकॉर्ड्स हैं, जहाँ जहाँ भी मेरे सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ मेरे वार्ड में इंसिडेंट हुए हैं ऐसे, तो उसके ऊपर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो कमिश्नर साहब की इतनी लापरवाही है हर चीज़ में, ये है कि डॉग स्ट्राइक डॉग बाइट्स के ताल्लुक से ही नहीं, और भी बहुत सारे मसले हैं, उनके ऊपर भी हम अगर बैठेंगे तो बहुत बात लिख लेंगे, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम आने वाले 30 तारीख के दिन तकरीबन पब्लिक हमारे साथ में है, उस दिन स्ट्रीट डॉग को लेके हम लोग एक स्ट्राइक करने जा रहे हैं, अगर जिस दिन अगर उस दिन हमारा जो कंपेंशन देने का वादा और स्ट्रीट डॉग्स को शहर से हटाने का अगर काम नहीं होगा उस दिन, तो मतलब उस यानी कि जो स्ट्राइक में हम वो हमारी मांग रखने वाले हैं, क्योंकि ये एक सिंगल वार्ड का मामला नहीं है, पूरे शहर का मामला है, इसीलिए हम लोग है ना आशीष साहब से मिल के बात किए और उस दिन हम उनको क्लियर बता दिए कि उस दिन हम स्ट्राइक करने वाले हैं, और उन्होंने भी हाँ ये आप लोगों का हक है आप कर सकते हैं बोलकर बोले, क्योंकि एक कमिश्नर के वजह से हमारे को इतना पूरे शहर को झेलना पड़ रहा, अगर कमिश्नर सही होता कोई स्टेप लेते कुछ भी होता तो आज शायद ये ज़्यादा केसेस इंक्रीज नहीं होते थे।
आप जो कुत्तों को ले जा रहे हैं, ले जाके है ना उनको ऑपरेशन करके ला के फिर है ना दूसरे वार्ड में छोड़ रहे हैं, तो वो ग्रुप बना के फिर रहे हैं, तो उस वजह से भी ये ज्यादा केसेस हो रहे हैं। सबसे ज्यादा केसेस हो रहे हैं तो इसी वजह से कि ये जो कुत्तों को उठा के ले जा रहे हैं, ये वार्ड से वो वार्ड में छोड़ रहे हैं, ये वार्ड से वो वार्ड में छोड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बड़ी गलती है। ये कमिश्नर साहब भी उस दिन मीटिंग में एक्सेप्ट किए, ये सबसे बड़ी गलती है हमारी उनके। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक शेल्टर हाउस बनाओ, बना के वहाँ पे कुत्तों को रखो, वहाँ पे उनको सेफ रखो। उनको हम मारने की भी बात नहीं कर रहे हैं उनके सामने कि उनको खलास कर दो, मार दो बोल के भी नहीं बोल रहे, क्योंकि इसके ऊपर भी एक्ट है। अब कई सारे लोग हैं चाहत कर सकते हैं, लेकिन एक एक्ट पर आने के बाद है ना कानून हाथ में लेना कोई भी नहीं चाहता, कोई भी वो सजा नहीं भुगतना चाहता। तो ये कमिश्नर साहब को नॉलेज में होना चाहिए, उनको मालूम है किस तरह से इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये खाली ऑपरेशन कर रहे हैं, ले जा रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, वो वार्ड से ये वार्ड में, ये वार्ड से वो वार्ड में ला के छोड़ रहे हैं, कोई हल नहीं है। वो एक परमानेंट सोल्यूशन होना, ऐसे बहुत सारे एक्ट्स हैं, बहुत अगर कमिश्नर साहब चाहे तो हो सकता है, लेकिन इनको करना नहीं चाह रहे। क्यों नहीं करना चाह रहे पता नहीं, क्या इंटेंशन है इनका समझ के बाहर है। और जिस तरह से लास्ट टाइम उन्होंने खुद वो रिक्वेस्ट करके वो हम लोगों को उस दिन स्ट्राइक में हमारे को उठाने लगे, हम उस दिन तो टाउन हॉल को लॉक डाल के बैठ गए थे। इन्हों रिक्वेस्ट करके जब MLA साहब रिक्वेस्ट करने के बाद साउथ MLA उन्होंने तो बहुत सारे बातें सुना दिए उस दिन, क्या कर रहे हैं तो माँ के बोल के, फिर भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है उनका। और ना ही तो उनको, मेरे को तो लगता है वो चुप IAS बने आए हैं, चुप आ रहे हैं, अपना अटेंडेंस डाल रहे हैं, जा रहे हैं, ऐसा दिखता है। इसमें कोई ऐसा डेवलपमेंट तो नहीं दिख रहा उन्होंने जब से हमारे। This video presented by Al Sharay PU College for Boys and Girls, MSK Mill Road, Al Sharay PU College for Girl at Muslim Chowk, Bijgori, Gulbarga Girls PU College, opposite Makkah Masjid, Basveshwar Colony, Al Sharay BSc Degree College for Girls, Yadula Colony, and Al Sharay Public School powered by LED, Old Jewargi Road. Admission are open. Contact for details.